यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग खत्म होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। ये पिछले करीब एक साल से भी ज्यादा से चल रही है। इस युद्ध का कोई परिणाम भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दूसरे देशों से मदद की आस लगा रहे हैं। हाल ही में जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अफ्रीकी नेताओं के एक समूह से आग्रह किया है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर क्रीमिया और अन्य क्षेत्रों में बंदी बनाए गए राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का दबाव बनाए। बता दें कि शनिवार को अफ्रीकी नेताओं की रूस की यात्रा होने वाली थी। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये मुद्दा अफ्रीकी नेताओं की रूस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। बता दें कि पिछले 16 महीनों से चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध में दोनों ही देशों की मदद के लिए शांति मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत 7 अफ्रीकी नेताओं, कोमोरोस, सेनेगल, दक्षिणी अफ्रीका और जाम्बिया के राष्ट्रपति, मिस्र के प्रधानमंत्री, कांगो गणराज्य व युगांडा के शीर्ष नेताओं ने कीव का दौरा किया था। इन देशों से पहले चीन भी इस तरह शांति की पहल कर चुका है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, ये संघर्ष अफ्रीका को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। मैं समझता हूँ कि यूक्रेन के लोगों को लगता है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए और लड़ाई को जारी रखना चाहिए। शांति की राह बहुत मुश्किल है।